शेर और चूहे की कहानी। एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था। उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वह उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। वहीं फिर वह जैसे ही चूहे को खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वह आज़ाद कर दे, और वह उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब वह जरूर शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस सहजता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध भी दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर ना सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वह तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, और जिससे शेर कुछ देर में आज़ाद भी हो गया। और उसने शेर चूहे को धन्यवाद दी। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। कहानी अच्छी लगी? लाइक और कमेंट ज़रूर करें।